We're gonna attempt to eat every street food possible. But ऐसे ही कहीं नहीं, हम आगरा में हैं इन सदर बाजार और यहाँ पे एक चाट गली है जहाँ पे इतना स्ट्रीट फूड मिलता है। मतलब देश मोमोज, देश पानी पूरी, देश लखनवी कबाब, देश पनीर टिक्का, इतना कुछ है। एंड यहाँ शाम को ना बहुत भीड़ हो जाती है। तो आज हमारे 3 मिशन होने वाले हैं। मिशन 1 टू ट्राई एवरी स्ट्रीट फूड, मिशन 2 टू फाइंड द बेस्ट स्ट्रीट फूड इन द चाट गली, एंड मिशन 3 वो आपका मिशन है, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो। एंड मम्मा भी है मेरे साथ आज भी। तो हम पहुंच चुके हैं चाट गली एंड इट्स जस्ट 4 o'clock, फिर भी इट्स लाइक काफी lively and all the shops are open. What do you want to have first? We'll have momos. You will have veg. I'll have non-veg. पूरा चाट गली veg है, non-veg allowed नहीं है actually. पूरा चाट गली is veg. There's no non-veg here. मम्मा तो बहुत खुश है। एक veg टी मोमोस ले। ये लीजिए। First dish is here. This is veg momos. ये ना देखने में बड़े मस्त लग रहा है। I feel like the outside layer is very patla and it's काफी अच्छे से filled. Let's take थोड़ी सी चटनी। That is so good. It's nice. गरम मतलब वैसे भी tasty है। चटनी is super spicy. मैदा की layer इतनी पतली है और अंदर की filling भी बहुत अच्छी है। Okay, how much rating would you give this place? 7/10. Momos are done and उसके एकदम adjacent shop है श्री अग्रवाल चाट हाउस। They have पाव भाजी, they have आलू टिक्की, आलू की चाट also, they have पानी पूरी also। Thank you. Our second item on the list is पाव भाजी है, इसके ऊपर पनीर और मक्खन भर भर के डाला हुआ है। मसाला भी, हाँ काफ़ी सारा मसाला भी है। ओके लेट्स ऐड प्याज और नींबू दोनों। लुक्स सो नाइस। सो एकदम हॉट एंड यम। मतलब भाजी में बटर का इतना सही टेस्ट आ रहा है। पाव इज सो क्रंची एंड इतना बटरी। तो दिस विल बी अ 6.2। ओके एंड द नेक्स्ट शॉप इज आगरा चाट हाउस एंड कल यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी पानी पूरी वाले पे। सो आई एम गोना हैव माय फेवरेट गोल गप्पे। मैं तो बिल्कुल रेजिस्ट नहीं हो रहा है। आई थिंक ये पुट मिर्ची के पीसेस इनसाइड इट टू मेक इट स्पाइसी। अच्छा तीखा जैसे तेरे को पसंद है। तीखा नहीं है। हम दुकान के सामने रिव्यू नहीं देना चाहते थे बिकॉज पानी पूरी वॉज नॉट गुड। मतलब ऐसे तो एक तो स्ट्रॉन्ग अजवाइन का टेस्ट आ रहा था, स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं था एंड इट फेल्ट लाइक जलजीरा। हाँ मतलब एग्जैक्टली मुझे लगा कि मसाला जैसे हमने कहीं से खरीदा हो रहा है। एवरेस्ट हाँ एग्जैक्टली दैट। 6 फ्लेवर पानी पूरी भी है, सो लेट्स नॉट जज पानी पूरी यहाँ का बाय दैट। इसको तो आई वुड गिव लाइक अ 5 और 4। बहुत बहुत ही एवरेज। ओके गाइस सो अभी तक करेंटली मोमोज एट द टॉप। देयर इज अ मास्टर शेफ पास्ता रेड एंड पास्ता व्हाइट, व्हिच वन? कुल्हड़ ओनली नो। कुल्हड़ पास्ता इज ऑल रेडी। वन थिंग इज आई थॉट कि इट वुड बी बेक्ड लाइक मतलब थोड़ा सा चीज डाल के बेक होता, बट नहीं। इट लुक्स ब्यूटीफुल राइट। सुंदर तो लग रहा है, लुक्स सो नाइस। मोज़रेला चीज़ आई एम मिसिंग बट अदरवाइज इट्स रियली नाइस। आई थिंक दिस इज बेटर देन द पाव भाजी, सो 6.7। ओके डन। डोसा यू वांट टू हैव? डोसा यू वांट टू हैव? हां व्हाई नॉट। Mom is helping me with the shoot. Now my hand is burning almost. Dosa looks so good. Plus you know I like the fact that they've coated अच्छे से with masala. It's not like center में एक जगह पे मसाला है। Let's take a छोटा सा bite. इतनी पतली वो आलू की layer on top of the dosa. It feels so nice. चटनी बेकार है। What would you rate this dosa? I don't find it authentic. I would give it pani puri type. Much? No. Not as bad as the pani puri. This week we still feel like eating pani puri. So it's like we left. हमने थोड़ा सा छोड़ ही दिया plate का. 5.5. Okay, done. Let's agree. Actually हमने ना पूछा कि why is this all veg गली? So apparently this used to be a पंडित जी की गली, तो यहाँ पे नॉनवेज बनाना तो क्या, कोई नॉनवेज लेके आ भी नहीं सकता था और आते भी थे तो डंडे से मारा जाता था which is why it's a pure veg curry. There is chaap also. Which one you want to have? You want to have the red gravy वाला और the white gravy वाला? तो सारी चीज़ें white gravy वाली लेनी, मुझे red gravy वाला. ठीक है. I thought it was like a starter, but it's like a proper rumali roti and chaap. Actually में chaap इतना soft है, it's literally breaking. It's nice, spicy, right? Very Punjabi. This soya actually feels like chicken. Can't tell the difference. Maybe you never know. Chaap was good, but it was expensive. 200 रुपए की थी, मतलब. Same as momos. Yeah, I think 7-7. They were same. Momos were also really good, and chaap was also really good. मतलब gravy में मसाला अच्छा था, and the rumali roti was also like crispy and soft. Very basket chaat खाएं क्या? हाँ, actually I've never had basket chaat. भैया एक basket chaat दे दो. Basket chaat is here and it looks so beautiful. बहुत कुछ है. There's like chutney, सेव, 3-4 चटनियाँ, दही, peanuts, tutti frutti, lots of stuff. This is very big. Yeah. ऐसे तोड़ के कौन खाता है? माँ, you committed a sin. But it's very good. It's very good, है ना? It's amazing. Same as momos. This is very good. Top पे 3 चीजें हैं. It's momos, soya chaap and ये कटोरी चाट. हम बस ब्रेक ही लेने वाले थे. We were going to do some shopping in Sadar Bazaar, but हमें यहाँ पे एक छोटी सी Chinese चाट का स्टॉल दिखा. तो hi, hello, how are you? Hi, I'm your subscriber. Thank you. I love your videos. Thank you so much. कैसा है खाना, कैसा है? अच्छा. ये क्या आपने ऑर्डर किया है? It's Chinese platter. Chinese platter. You want to try this only? एक Chinese platter. So काफ़ी कुछ है on the platter. सबसे पहले तो we have some Hakka noodles, then we have some fried rice, we have chili potato, we have chili paneer, we have Manchurian, and we have soya chili also. Thank you. So this is our Chinese platter. It is so loaded. ये क्या है? Soya chaap. Okay. Noodles are decent. Nice. हाँ. Honey chili potato is really good. We actually like sadak wale noodles. We like sadak wale noodles. And there are times when we have craving for sadak wale noodles. 7.2. Fried rice also I like. 7.2. अभी तो सबसे अच्छा यही है. ये तो you should try. Shake नहीं, कुछ soda type. ठीक, एक blue lagoon दे दो. Okay. So our blue lagoon is here. इतने ठंडे मौसम में ठंडा कैसे पीती हो? इसको हम रेटिंग नहीं देंगे. This is not food. This is just like drink. Yeah, but this is good. क्या चाहते हो तुम? मैं सोना चाहता हूँ. मम्मा और मैं शॉपिंग करके आ चुके हैं हमारे डिनर स्लैश राउंड 2 के लिए. What does you want to have now? Let's go have 6 फ्लेवर की पानी पूरी and it's for 25 रुपीज. एक प्लेट लगा दो. ये हींग है ना? एकदम डिस्टिंक्ट हींग का टेस्ट आ रहा है. क्या ये गार्लिक हो? ये वेरी टेस्टी है. आप खा लो खट्टा मीठा. हाँ, ये मैं खा लूँगी. अच्छा, वेरी गुड. हाँ, एंड लिटरली ऑल द 6 फ्लेवर्स वर रियली नाइस. और जो वो बोल रहा है कि वो है उसमें उस चीज का पूरा टेस्ट है. जीरा में जीरा का टेस्ट है, नींबू में खटास है, खट्टा मीठा लाइक गूगल पे. ओके, व्हाट रेटिंग? 6 आई थिंक. नहीं, 7. बट इट इज लेस देन दोस चाट्स. Okay, fine, 7. Yeah. Basket chaat is our top, but the 6 flavor pani puri is really good. It's good, yeah. So this is a place called Tuk Tuk Pizza and Garlic Bread. एक kulhad pizza बना दो. Our kulhad pizza is all ready. Let's take थोड़ा सा cheese. There are like pieces of bread inside and थोड़ी बहुत सब्जियाँ and all. Looks nice. मैं ना बहुत सारे लोगों को उनका पिज़्ज़ा भी खाते हुए देख रही थी. सो आई थिंक आई एम गोना ट्राई वन ऑफ द चीज़ कॉर्न पिज़्ज़ा. ये कैसा है? गुड, मतलब इट्स डीसेंट. आई फील लाइक बहुत ज़्यादा ग्रेट भी नहीं है, बट आई एम super excited to try this cheesy pizza. Just look at the amount of cheese. I think same as the momos. Huh? The that pizza, good, huh? Not fuller okay. Pizza, but the pizza is as good as the momos. Wow. हम कल आए थे तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक आलू चाट खाने का मन था तो एक आलू चाट कर ये वाली आलू चाट इज ऑल फ्लोर एंड इट लुक्स सो टेम्पटिंग. मतलब मैंने इतने सारे लोगों को इसको खाते हुए देखा है. इसके ऊपर रेडिश भी है विच आई लव. लेट्स टेक अ छोटू सा बाइट. इसमें चटनी भी है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक रेडिश. मसाला भी है काफ़ी सारा. वेरी खट्टा इतनी सारी चटनी के साथ. इट इज सो गुड. इट्स अ नाइस चाट. मतलब डेफिनेटली इट डज नॉट बीट द मोमो. सो 6.7 6.8 टाइप इज बट इट्स गुड. एक बार आपको ट्राई करनी चाहिए. ओके हमारा आलू टिक्की चाट इज डन एंड नेक्स्ट वी आर हियर एट दिस प्लेस कॉल्ड सरदारजी पनीर टिक्का वाला. दिस इज गोना बी आवर डिनर. आई हैव ऑर्डर्ड पनीर टिक्का एंड मामा इज गेटिंग सरसों का साग. यम यम क्या चप्पड़ थैंक यू गाइस. मम्मा और मेरा डिनर इज हियर. सो सबसे पहले दिस इज पनीर टिक्का. इट लुक्स सो गुड. मतलब एक तो मसालेदार इतना कर दिया एंड ऊपर से क्रीम भी बहुत सारी डाली हुई है एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चटनीज एंड ये मेरी मम्मी का फेवरेट. सो देयर सरसों का साग एंड दिस लॉट ऑफ वाइट बटर ऑन टॉप ऑफ इट. देयर चटनी प्याज एंड देयर मक्की की रोटी. It's so good. This kind of food is so jannat for you anyways. Let's take थोड़ा सा प्याज और चटनी. भाई look at the amount of white butter मम्मा. हमारी नानी हमें white butter के साथ परांठे खिलाती थी बचपन में. वहाँ से आदत पड़ी है. Oh God. It's too good है ना? I think this must be the best saag I've ever had. It's so wholesome. So wholesome, yes. पनीर टिक्का लुक्स हमारे जैसा मतलब जैसा हमें पसंद है ना मसालेदार एकदम चटपटा. so good, I love it. इतना मजा आ रहा है खाना खाने में बता नहीं सकती. हमने आज कितनी चीजें खाई होंगी यार. आई थिंक एटलीस्ट 15 चीजें हमने खाई होंगी और मोर. एनीवेज रेटिंग वी हैव नॉट गिवन सरसों का साग एंड मक्की एट द टॉप. I think a solid 8.5 it will be because yes. Nothing was even close to how comforting and how flavorful yes, it was. Very very comforting food in this winters. Makki ki roti sarson makki ki roti and even the paneer tikka. And this was what I was expecting and it fulfilled your expectation. Yes. Like really good. This is what I was waiting for. Okay, so this is the kulfi shop we are going to. कौन सी कुल्फी है? रबड़ी कुल्फी है, केसर पिस्ता है, पान एक रबड़ी कुल्फी और एक पान कुल्फी. तो ये रबड़ी है ना और पान कुल्फी. You ditched coffee, huh? No, I'm going to have after this. End में गरम is doggo wants. You want? I can't give you doggo. It's not good for you. Very good. अच्छी है. Cheers. वेरी गुड. काफ़ी ऐसा ऑथेंटिक कुल्फी का टेस्ट है. इसमें सैफरन का भी अच्छा टेस्ट है, इलायची का भी अच्छा टेस्ट भी है. मैं थोड़ी हार्ड आपके हार्ड है क्या? कर राइट मत कर क्लिक कर. गुलकंद का इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है. यू कैन प्रॉपरली टेस्ट द गुलकंद. आई लाइक योर्स बेटर देन माइन. थोड़ा सा बोला था पूरा ही ले लिया. ओके ओके इज नॉट गिविंग इट बैक टू इट. बाय. इज इट ओके फॉर हिम टू हैव कुल्फी? या प्लेन कुल्फी इज ओके एंड ही टुक द होल थिंग एंड रन अवे. दिस इज आल्सो इन 8 ब्रैकेट बट दैट इज 8.5. सरसों का साग एंड मक्की की रोटी. वैसे भी वो स्टोरी है ना मीठा पसंद है नमकीन. नमकीन स्टिल हैज मोर कंफर्टिंग वो. But this is in 8 bracket. मम्मा की लास्ट कॉफी भी रेट कर ही लेते हैं. इतनी चीजें रेट कर ली तो What is machine wali coffee? Why do you call it machine wali coffee? क्योंकि उस मशीन से बनाएगा वो. But what's so special about it? इसमें फोम होती है ऊपर और हमारे बचपन में शादियों में ये मशीन होती थी कॉफ़ी वाली. उसका टेस्ट जैसे मुझे ये पान की कुल्फी का या सरसों के साग का टेस्ट पहले से ही मुंह में आ रहा था वैसे मुझे इस कॉफ़ी का टेस्ट पहले से ही मुंह में आ रहा था. कॉफी. This is again comfort food. मम्मी तो खुश हो गई यहाँ पे आके. उनको ना सरसों का साग और कुल्फी और ये और जो हमने नई चीज बैठ के पी ले. मम्मी has this thing also के पीना हमेशा बैठ के. और जो हमने नई चीजें भी ट्राई करी तो basket chaat. Everything was nice. Yeah, and the basket chaat और इसके बारे में ये बोलूँगी ये जो Chinese chaat है ठीक है हमने Chinese chaat और chaat वैसे खाई है but they were different, little different, not the usual. हाँ दोनों चीज़ों में मतलब पानी पूरी में और बहुत इनोवेशन हो चुकी है. कड़वी आप भी पी लो. ठीक है मैं भी पी लूँ. मैं शुगर नहीं डालवाई. मैं तो तेरे को बोल रही थी तू चीनी वाली. How much will you rate it? Pan coffee is better. Come on than this. Okay. 7.5. हाँ. Guys, I guarantee you, मम्मा मैंने चाट के लिए हर दुकान से कुछ ना कुछ खाया. But every shop we went to and every shop was like good. And हमारा top is the Chinese. नहीं sorry. हमारा top is सरसों का साग और मक्की की रोटी. आप लोग comment section में बताओ आप ये सब खाते तो आपकी rating में top पे क्या होता. And let me know हमें next challenge क्या करना चाहिए. And don't forget to like, share and subscribe. And I would like to quote ये सरदारजी की saying what he said कि आप जैसे शोले कितनी बार भी जिंदगी में देख सकते हो आप ये सरसों का साग और मक्की की रोटी कितनी बार भी खा सकते हो. Nice. Let's go in tomorrow. Yeah. Bye. Let's do it in another city. Yes. Closer to my city. Bye. Love you.